मित्रों, फॉरेंसिक जांच न्याय प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल आने वाले दिनों में रखने वाला है। मोदी सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन लाने जा रही है। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकूल बनाएंगे, उसको हमारे संविधान के स्पिरिट के अनुकूल बनाएंगे और उसको आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत हो इस दिशा में इसे अनेक प्रकार के फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य की उपलब्धियों से इसको और मजबूत बनाएंगे। अगर ये करना है तो देश भर के अंदर फॉरेंसिक साइंस का जाला फैलाना पड़ेगा और वही सुधारों में हम, जिसका दिल्ली पुलिस ने अभी ट्रायल शुरू कर दिया है, वो सुधार भी लाने जा रहे हैं कि 6 साल और इससे ज्यादा अपराध वाले हर सजा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक साइंस की टीम की विजिट को हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। अगर ये करना है तो हमें एक ट्रेन मैन पावर चाहिए। फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में निष्णात हमारे युवा कर्मी चाहिए और इसकी उपलब्धि के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की और कम समय के अंदर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आज देश के 9 राज्यों में अपने कैंपस खोल चुकी है।